स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डू मैथ्स एक्टिविटी। तो आज हम आपके सामने फिर कुछ एक्टिविटीज लेकर आए हैं और इस बार हम मैथ्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेकर आए हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने अपने मैथ्स के अंदर देखी है कि क्या होता है उसके अंदर। जैसे कि थ्री नंबर्स होते हैं, तो ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, ठीक है, और बाद में इक्वल में क्या होता है, ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में होता है और सी बाद में। तो हम इस प्रॉपर्टी को थ्रू एक्टिविटी करेंगे। तो सेम वही मैंने इस बार फिर से क्या किया कि मेरे पास वेस्ट पेपर थे पिंक और क्रीम कलर का, और आज एक नया पेपर भी मिला मुझे, इसके बहुत अच्छा सा फ्लावर भी बना हुआ है, इसके बैक साइड में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं आपको, हेलो, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने जस्ट इनमें से कुछ नंबर्स कट किए हैं, आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास डिफरेंट कलर के जो स्केयर है, ठीक है, ये मेरे पास है। तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू आज हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी करेंगे और खूब मजा आने वाला है। तो देखें स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास एक हमने क्वेश्चन लिखा, इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 2 प्लस ब्रैकेट में माइनस 3 प्लस 4 और राइट हैंड साइड में 2 माइनस 3 प्लस 4। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और फिर हम राइट हैंड साइड को, तो देखते हैं कि क्या दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते। तो हमारे पास सबसे पहले ये जैसे कि 2 है, ठीक है, और उसके बाद नीचे माइनस 3 मैं ले लेता हूँ और फिर 4 है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि सबसे पहले कि हम जो ब्रैकेट्स होती हैं इन ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट्स को सोल्व करने के लिए हमें अभी 2 को छोड़ना पड़ेगा, हम जस्ट माइनस 3 और 4 को करेंगे सोल्व। तो माइनस 3 के लिए मैं स्टूडेंट्स 3 स्केयर लूँगा माइनस 1 के, और प्लस 4 के लिए मैं स्टूडेंट्स क्या करता हूँ, प्लस 1 के 4 स्केयर ले लेता हूँ। ये ब्लू कलर के हैं, बहुत ही प्यारे स्केयर लग रहे हैं, तो ये मैंने 4 स्केयर ले लिए। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि माइनस 1 प्लस 1 आपस में बहुत ही आ रही है इनकी, दोनों मिलकर क्या बन गए, 0। और इधर भी माइनस 1 प्लस 1 मिलकर सभी को पता है 1 माइनस 1 0, तो इनको भी हमने साइड में कर दिया। नेक्स्ट माइनस 1 प्लस 1 ये भी 0। तो स्टूडेंट्स क्या बचा हमारे पास, प्लस 1, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि माइनस 3 प्लस 4 किया। अब बात आती है 2 की, तो मैं अब 2 के लिए क्या करता हूँ कि 2 पिंक कलर के स्केयर ले लेता हूँ। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये भी प्लस 1 है, ये भी प्लस 1 है, ये भी प्लस 1 है, तो ये तीनों ही प्लस 1 मिलकर कितने बन गए हमारे पास, 3, ठीक है, तो ये 3 स्केयर इकट्ठे हो गए। तो हम इसको ऐसे नीचे लगा देते हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। तो चलो अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट में है आपको 2 माइनस 3 दिया हुआ, तो मैं 2 और माइनस 3 लेकर चलूंगा। तो 2 के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो ब्लू कलर है, तो स्टूडेंट ब्रैकेट में 2 माइनस 3 है, तो 2 के लिए मैंने क्या किया, 2 स्केयर ले लिए मैंने प्लस 1 प्लस 1 के, ठीक है, और माइनस 3 के लिए मैंने 3 स्केयर ले लिए माइनस 1 और माइनस 1 के। तो इस बार ये प्लस और माइनस 1 0 साइड में किया, प्लस माइनस 1 0, देख सकते हैं ये भी हमने साइड में कर दिया। तो स्टूडेंट हमारे पास जस्ट क्या बच गया, माइनस 1। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि प्लस 4 करेंगे, तो 4 के लिए मैंने पिंक कलर के प्लस 1 प्लस 1 करके ये 4 मैंने स्केयर ले लिए। तो सबसे पहले ये माइनस 1 और प्लस 1 क्या हो गया, 0। तो बचा क्या हमारे पास, प्लस 1 प्लस 1 के 3 स्केयर, तो यानी कि 1 2 एंड 3। तो राइट हैंड साइड क्या आ गई हमारी, 3। तो स्टूडेंट हमने आज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव किया कि ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। ये एडिशन इसके अंदर हमने जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया। तो
उम्मीद है खूब मज़ा भी आया होगा। अगर मज़ा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें, ठीक है। तो ऐसी ऐसी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी और भी मिलेगी। जय माता दी।